हाँ फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं यहाँ का ऑरेंज बागान, यहाँ का विलेज और यहाँ का टी गार्डन दिखाऊंगा। तो आप भी देखना चाहते हैं ये विलेज, टी गार्डन और ऑरेंज बागान, इस वीडियो में बने। तो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज बागान, अभी ऑरेंज नहीं लेकिन नवम्बर दिसंबर ये ऑरेंज खाने का लायक हो जाएगा, तभी यह ऑरेंज खाने का लायक होता है। तो ये बागान भी देखने का लायक होता है। तो यहाँ का विलेज को स्कूल को देख सकते हैं। बोलता है टावा, ये पूरी तरह से बैम्बू के बनाए। तो यहाँ पर टिकाडन का वजन करता है और कभी कभी यहाँ पर बारिश के टाइम पर वर्कर लोग लंच भी करता है। ये पूरी तरह से बम्बू के बनाए, तो देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं विलेज को। यहाँ विलेज में कई ऑर्गेनिक खेती होता है, जैसे ऑरेंज, एवोकाडा, इलायची और भी कई ऑर्गेनिक खेती होता है। तो यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनिक खेती होता है। तो यहाँ पर टी गार्डन भी देख सकते हैं, दार्जिलिंग का हरे भरे टी गार्डन। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग यहाँ का टी गार्डन को। तो अभी यहाँ पर टी का प्लॉकिंग चल रहा है, दार्जिलिंग टी का। तो हरे भरे टी गार्डन देख सकते है। यहाँ पर रोड में सिर्फ अभी अभी ऑरेंज बागान में पहुंचाऊं। तो देख सकते हैं ऑरेंज, लेकिन अभी ऑरेंज खाने का लायक तो नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर ये खाने का लायक हो जाएगा। अभी तो छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ का ऑरेंज बागान। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा काम था ऑरेंज बागान में, तो अभी घर के तरफ जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ का विलेज को भी दिखाऊंगा। वहां पर देख सकते हैं बर का पेड़, वहां भी घूमने के लायक जगह है और टी गार्डन भी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर।